नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे शब्द चिन्ह और अभ्यास 16 को देखेंगे, ठीक है। कल वाले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने हिंदी में अनुवाद किया था, यानी शॉर्ट हैंड देख के हिंदी में अनुवाद किया था, अभ्यास 15 को किया था और शब्द चिन्ह को रिवाइज किया था। और हमने बताया था कि आपको अभ्यास 15 कम से कम 8 से 10 बारी उसको प्रैक्टिस करना है, उसको लिखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग अभ्यास 15 के डिक्टेशन को लिखेंगे, उसके बाद हम लोग शब्द चिन्ह को देखेंगे, फिर अभ्यास 16 आपको तैयार करना है, ठीक है। मेहनत तो करना पड़ेगा, तो गुरु अगर आप 2 महीने लगातार लग गए मेरे साथ तो मैं आपको एक स्टेनोग्राफर बना के ही छोड़ूंगा। बुक आपने खरीद लिया होगा, अगर नहीं खरीदा है तो प्लीज खरीद लीजिए, दुकानें खुल रही हैं अब, ठीक है। नहीं मिला तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, कैसे भी आप बुक ले लीजिए, बिना बुक के काम नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप डिक्टेशन आपको प्रैक्टिस करना होता है, सब चिन्ह देखना होता है, तो इसके लिए बुक बहुत जरूरी है। तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अभ्यास 15 में 5वें नंबर से आपको प्रैक्टिस करना था, जो कि शब्द चिन्ह यूज हुआ था, तो आपने शब्द चिन्ह याद कर लिया होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए है, मैंने उसको 4 अमरूद बाजार से मोल लेकर भेजा। मैं बोलता चलूंगा, आपको लिखते भी चलना है। मैंने उसको 4 अमरूद बाजार से, देखिए से इनका ऐसे है, आपको ऐसे ही बना लेना है, हमने अपना से अलग से बनाया है, इस तरीके से बनाया है, ठीक है। बाजार से मोल ले कर भेजा, पूर्ण विराम, वह कौन आदमी है जो मेरे घोड़े पर सवार होकर जाता है, मैंने आज कुछ खाया है, कल उसने भी खाया था, पूर्ण विराम, सीता, तो था वो पुराना वाला, हमें बनाने की आदत है ना, इसलिए जब ये बेसिक है इसलिए हमें बार बार वही याद आता है, इसीलिए गलती हो रहा है। सीता ने मुझे उसकी लाठी दे दी, मैं ले कर चला आया, पूर्ण विराम, वे रोकने वाले कौन थे, पूर्ण विराम, उसे मारो, पूर्ण विराम, उस तरफ देखो, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको इसको कम से कम 5 से 7 बारी प्रैक्टिस कर लेना है। अब हम लोग शब्द चिन्ह देखते हैं। अब दोस्तों इस शब्द चिन्ह को आपको अलग कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जितना शब्द चिन्ह बताते चलेंगे आपको उसको लिख लेना और रोज उसको प्रैक्टिस करना है ताकि याद भी हो जाए। तो आज हम लोग जो शब्द चिन्ह देख रहे हैं उस शब्द चिन्ह का प्रयोग आपको अभ्यास 16 में करना होगा, ठीक है। ऐसे शब्द आएंगे वहां पे, क्योंकि अब आप जितना शब्द चिन्ह सीखते चले रहे हैं उसको आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। देखिए यहाँ पे कम लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ये हो जाएगा कम। पहले आप कम के लिए का और मा लिखते थे, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, अब सीधा आपको कम, ठीक है, ये हो गया आपका कम। अब यहाँ पे किताब में मैं दिखाता हूँ आपको कम और क्या। देखिए कम और क्या, ठीक है, दोनों एक ही तरीके से बनाए हैं। किया ये अलग बनाए हैं, ठीक है, हुआ हुई हुए ये तीनों एक ही तरीके से बनाए, लेकिन हम लोग इसको अंतर करेंगे ताकि हमें अपना डिक्टेशन लिखने में पढ़ने में आसानी हो। तो कम को आपने समझ लिया, जब क्या आएगा इसी में हम या ऐसे जोड़ देंगे, क्या ये या होता है, आगे हम लोग इसको पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अभी फिलहाल आप इसको याद रखिए, ये हो गया लाइन पे आप बनाएंगे तो किया हो गया, ठीक है, लाइन पे बनाएंगे तो किया, लाइन के ऊपर कम क्या किया, यहां तक याद, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े, हा को जब लाइन के ऊपर बनाएंगे तो ये हाँ हो जाएगा, हाँ बहुत कम ही आता है, ये हो गया आपका हाँ, ठीक है। और यहाँ लाइन टच के बनाएंगे तो ये हो गया आपका हुआ, हुआ। अब किताब में हुआ हुई हुए, हालांकि सेंटेंस से पता चल जाता है लेकिन कई बार ऐसा सेंटेंस आ जाता है कि डिफरेंट नहीं हो पाता है, तो यहाँ पे आपको ये हो गया आपका हुआ, ये हो गई हुई, ई जोड़ दिए इसमें, और हुए जब आए एक ही मात्रा लगा देंगे, ये हो गया आपका हुए, ठीक है, हुआ हुई हुए, ठीक। अब यहां पे नेक्स्ट है आपका होता होना, तो होता को हम क्या करेंगे, होता इसमें ता को काट देंगे इस तरह बनाएंगे, और होना को ये इस तरह बनाएंगे, ठीक है, उसमें ना का आंकड़ा जोड़ेंगे। यहां पे दोस्तों ये हुआ हुई हुए ये जो है ये लाइन के ऊपर रहेगा, ठीक है, हुए ये लाइन के ऊपर रहेगा, मैंने गलती से बना दिया, और ये लाइन टच के रहेगा, इसमें ता का आंकड़ा लगा देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़े, इसको आपको याद करते चलना है, ठीक है, ये आपके डिक्टेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द चिन्ह का ही रोल है। यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट है आपका तुम, लाइन पर इस तरह से बनाएंगे, इसको आप पढ़ेंगे तुम, ठीक है, ये हो गया तुम। अब इसी तुम में आपने ने जोड़ दिया, तुमने, ठीक, तुमने, तुम्हें, और यहां पे इस तरह से बनाएंगे तुम्हारे, तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारे, और ये हो गया आपका तुमको, छोटा सा का जोड़ दिए, तुमको। यहां तक क्लियर, अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, नहीं तो आप हमारे पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री में है, वहां से बिल्कुल आप ऐड होके कुछ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे उन, लाइन पे बनाएंगे छोटा सा वा बनाएंगे, इसको हम पढ़ेंगे उन, अब इसी में हम ने जोड़ देंगे उनने, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये सीधा लाएंगे उन्हें, ठीक, उन्हें हो गया, और ये हो गया आपका उनका, ये क्या हो गया उनका, इसमें का जोड़ेंगे उनका, और ये हो जाएगा उनको, ठीक, उन, उन्हें, सॉरी उन, उनने, उन्हें, उनका, उनको, ठीक। अब आपको अभ्यास 16 करना है, एक बार हम लोग फिर सब चिन्ह को रिवाइज कर लेते हैं, और इस आउटलाइन को आपको कम से कम 10 बारी प्रैक्टिस करना है। कम, क्या, ये कम हो गया, कम और क्या दोनों इनका इसी से रहेगा, तो क्या में हम लोग या जोड़ेंगे, कम क्या, और ये हो गया आपका किया, हाँ, ये हाँ है आपका, और हुआ, हाँ बहुत कम ही आता है, हुआ, हुई, हुए, होता, लाइन टच करेंगे, होता, या ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन ऐसे घुमाने में दिक्कत होती है आपको, होता, होना, तुम, तुमने, तुम्हें,
तुम्हारा तुमको उन उनने उन्हें उनका उनको। ज्यादा नहीं है, आप 10 बार प्रैक्टिस करेंगे एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूं आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए फायदेमंद है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे। अब आपको अभ्यास 16 की तैयारी करनी है, अभ्यास 16 आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करके लिए कल के लिए रेडी रहिएगा, कल वाले वीडियो में हम लोग अभ्यास 16 करेंगे और नए शब्द चिन्हों को देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर देना, नहीं तो आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएगी, फिर आप बोलेंगे कि हमारी वीडियो आपको मिल नहीं रही है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा।